उत्तरी इक्वेस्ट्रिया से खबर आई है। यो हाइनेस। क्या? मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि वो लौट आया है। प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर को बुलाओ। जी यो हाइनेस। मेरी प्यारी ट्वाइलाइट, तुम्हें अभी इसी वक्त कैंटलॉट आना होगा। जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। मेरी सारी पेंसिल्स कहाँ गई? नहीं 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 नहीं, मुझे मैजिकल कंपेंडियम वॉल्यूम 136 चाहिए। वो कहाँ है? फ्लैश कार्ड्स, मुझे कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाने चाहिए। स्पाइक, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कुछ सवाल पूछो हर चीज के बारे में, वो सब कुछ जो मैंने सीखा है आज तक। इतने कार्ड्स काफी नहीं होंगे। ट्वाइलाइट, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक टेस्ट है। सिर्फ एक टेस्ट? सिर्फ एक टेस्ट? प्रिंसेस सेलेस्टिया मेरा एग्जाम लेना चाहती है और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट है? हाँ। यू तो वो सब कुछ काफी अच्छे से संभाल रही है, ये देखते हुए कि तुम्हें यकीन है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए? हाँ, प्रिंसेस केटेंस और शाइनिंग आर्मर पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं, बाकी सभी वहाँ पहुँचते ही होंगे। एम्पायर का जादू बहुत ताकतवर है, उसे दोबारा हराना आसान नहीं होगा बहन। वो इस काम को अंजाम तक पहुँचा देगी और जब वो ऐसा कर देगी हमें पता चल जाएगा कि वो पूरी तरह तैयार है। बस मुझ पर भरोसा रखो। आप मुझसे मिलना चाहते थे मेरा टेस्ट लेने के लिए? मैं अपनी पेंसिल साथ लाई हूँ और बहुत सारे पेपर्स भी। माफ कीजिए, माफी चाहती हूँ। ये एक अलग तरह का टेस्ट है। क्रिस्टल एम्पायर लौट आया है। क्रिस्टल एम्पायर? माफ कीजिए, मुझे लगा मैंने इसके बारे में पढ़ा होगा, पर मुझे नहीं लगता किसी भी किताब में इसमें नहीं मिलेगा। लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। पर मैं इतना जानती हूँ कि उसका जादू बेहद ताकतवर है। हजारों साल पहले किंग सोमरा नाम का एक यूनिकॉर्न हुआ करता था जिसका दिल बहुत काला था। उसने क्रिस्टल एम्पायर को कब्जे में कर लिया। आखिरकार उसे वहां से हटा दिया गया और एक छाया में बदलकर उत्तरी आर्कटिक में बर्फ में कैद कर दिया गया। पर जाने से पहले उसने एम्पायर को एक श्राप दिया था जिसकी वजह से क्रिस्टल एम्पायर हवा में गायब हो गया। अगर एम्पायर में खुशियां और उम्मीदें फैली रहीं, तो इक्वेस्ट्रिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर उसकी जगह डर और नफरत मिली तो इसलिए मुझे एम्पायर की हिफाजत के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आप चाहती हैं कि पूरे एम्पायर की हिफाजत करने में मैं मदद करूं आपकी? ये जैसा कि मैंने बताया एक अलग तरह का टेस्ट है, पर मुझे पूरा यकीन है तुम इसमें जरूर पास होगी। मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं? प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर से मिलकर क्रिस्टल एम्पायर जाकर। मेरा भाई वहाँ है? हाँ, और तुम्हारी पोनीविल की दोस्त भी तुम्हें वही मिलेगी। मुझे भरोसा है कि तुम कामयाब हो जाओगी और जब ऐसा होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी पढ़ाई अगले लेवल पर जा सकती है।
अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो? ऐसा नहीं होगा। पर अगर ऐसा? ऐसा नहीं होगा, मगर ट्वाइलाइट, वक्त आने पर उस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ तुम्हें प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर की मदद करनी होगी। हमारे एम्पायर को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, तुम समझ रही हो ना? तो फिर जाओ, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। ट्वाइलाइट, ये तो काफी जल्दी खत्म हो गया। एक मिनट जरा मुझे सोचने दो। ए माइनस, बी प्लस, ट्वाइलाइट, क्या तुम फेल हो गई? कोशिश मैंने की थी पूरी, सोचा इसमें उतरूंगी खरी, हर मुश्किल को मैं पार करूं, पर इस मुश्किल का क्या करूं? मैथमेटिक्स मेरे लिए है आसान, मुझे याद है सारे फॉर्मूला। दोस्ती के सारे राज मुझे याद हैं, क्या करूं अब मुझे नहीं पता। बात कर रही हूँ। ट्वाइलाइट, क्या तुम पास हो गई? क्या हम प्रिंसेस सेलेस्टिया के साथ तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाएंगे? अभी नहीं, हम जा रहे हैं क्रिस्टल एम्पायर। क्रिस्टल एम्पायर? साथ लाने पर मेरा मजाक बना रहे थे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये मेरे हाथ से कैसे गिर गया? ट्वाइलाइट, शाइनिंग आर्मर, ट्वाइली, तुम आ गई। हमें चलना चाहिए क्योंकि अंधेरा गिरने के बाद यह जगह बहुत खतरनाक हो जाती है। कैसी चीज है? फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि सिर्फ एम्पायर लौट कर नहीं आई है, कोई लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है ये वो यूनिकॉर्न किंग है जिसने इस जगह को शाप दिया था। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने कहा मुझे यहाँ एम्पायर की हिफाजत करने का तरीका ढूंढने के लिए भेज रहे हैं। अगर किंग सोम्ब्रा अंदर नहीं घुस सकते तो फिर ये जगह पहले से ही सुरक्षित हुई ना? उसी के बारे में बात कर रहे थे। हमें क्रिस्टल एम्पायर पहुँचना होगा इसी वक्त। सब पुलिस ठीक है ना? ये क्या शायद तुम्हारी सींग? खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास
मेरे पास कहने को शब्द ही नहीं। ध्यान दो रियलिटी, हम यहाँ ट्वाइलाइट की मदद करने आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं। पता नहीं इसमें ऐसा खास क्या है, मुझे तो बस ये पुराने महल जैसा लग रहा है। पुराना आम महल, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, जरा इसकी अच्छा मजाक था। केडेंस, हमें कभी कभी ऐसे वक्त पर भी मिलना चाहिए जब इक्वेस्ट्रिया का भविष्य खतरे में ना हो। तुम ठीक तो हो ना? केडेंस अपने जादू की मदद से प्यार और रोशनी फैला रही है और वही है जो इस शहर की हिफाजत कर रही है, पर वो कई दिनों से सोई नहीं है और बहुत कम खाती है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर किंग सोमरा मेरे हिफाजती जादू चक्र को तोड़ने में कामयाब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है शाइनी नामा, मैं ठीक हूँ। वो ठीक नहीं है, वो ऐसा हमेशा तो नहीं कर सकती, और अगर उसका जादू कमजोर पड़ गया तो तुमने देखा ना बाहर कौन हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। केडेंस अपने जादू को मजबूत बनाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है और मैं आर्टिक में हर तरह की मुसीबत पर नजर रख रहा हूँ। इन सब के बीच हमें क्रिस्टल पोनी से मिलकर जानकारी इकट्ठे करने का मौका ही नहीं मिला। क्रिस्टल पोनीज, यहाँ क्रिस्टल पोनीज भी है। प्लीज आगे बताओ। बस उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो ये बता सके कि केडेंस के जादू के बिना भी एम्पायर की हिफाजत कैसे की जा सकती है। एक रिसर्च पेपर। हाँ? ये जरूर मेरे टेस्ट का एक हिस्सा होगा, क्रिस्टल पोनीज से जानकारी इकट्ठी करना और फिर तुम्हें दे देना, इसमें बहुत मजा आएगा। मुझे रिसर्च पेपर्स बहुत पसंद है। हाँ, किसे पसंद नहीं है। ओ, मैं बताती हूँ, क्या वो स्पाइक है? नहीं, फ्लटरशाय, रारिटी। चिंता मत करो बड़े भाई, ऐसे कामों में तो मैं माहिर हूँ। क्या तुम्हें यकीन है, पूरा यकीन है? मैं माफी चाहती हूँ, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर मुझे कुछ भी याद नहीं कि किंग सोमरा के आने से पहले क्या हुआ था, और मैं उस वक्त के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहती हूँ। किंग सोमरा के जादू की वजह से इनके बाल क्रिस्टली नहीं है। वाकई हमें गए हुए हजारों साल हो गए हैं। हाँ। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो। अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो चाहे वो कितनी भी छोटी बात हो। हाँ बिल्कुल। यहाँ से कुछ काम का नहीं मिला, शायद बाकी लोगों की किस्मत हमसे बेहतर हो। एम्पायर को बचाने का तरीका, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम है? काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती सच्ची। कम ऑन, तुम्हें कुछ तो याद होगा। लेकिन मेरे पास कोई खबर नहीं है। माफ कीजिए, हेलो, मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, लगता है आप सब बहुत बिजी हैं। वक्त है कुछ जानकारी इकट्ठा करने का। ऐसा लग रहा है मानो कोई तो कमी है। क्योंकि ऐसा नहीं है। एक जासूस। एक जासूस, इन्हें कैसे पता चला? जरूर मेरे नाइट विजन गॉगल्स की वजह से। रात का समा। और जब भी तुम अपने बालों को हिलाओ तो उससे इंद्रधनुष का नया रंग बनना चाहिए। वो कितना शानदार लगेगा, कितना चमकदार। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और मुझे भी नहीं। उन्हें मुझ पर शक हो गया है, मैं फिर से कहती हूँ, उन्हें मुझ पर शक हो गया है। ओह ठीक है, माफ करना ट्वाइलाइट, लगता है इन क्रिस्टल पोनीज की याददाश्त एक साथ चली गई है। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात निकलवा पाई और वो है एक लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी? वेल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी अभी पता चला। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, हमें किताब की तलाश है। हमारे पास बहुत सी किताबें हैं।
तुम्हारे पास है? क्या सच में? हम एक हिस्ट्री की किताब ढूंढ रहे हैं जो बता सके कि पुराने जमाने में एम्पायर खुद को खतरों से कैसे बचाता था। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री हाँ। तो वो किताबें कहाँ हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ काम करती हूँ। हम यहाँ का एक चक्कर लगाते हैं, मुझे यकीन हम खुद ही ढूंढ लेंगे। अगर तुम्हें मिल जाए तो बता देना। मुझे वो पसंद आई। क्या किसी और को भी लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं। क्रिस्टल एम्पायर की हिस्ट्री। उम्मीद है इस किताब में हमें वो जवाब मिले जिसकी हमें तलाश है। एक क्रिस्टल फेयर। इस किताब के मुताबिक इसकी शुरुआत यहाँ के पहले क्वीन ने की थी और तब से इनकी खास परंपरा बन गई। एक फेयर जो हम हर साल मनाते थे पूरे एम्पायर में प्यार और एकता की ताकत को जिंदा रखने के लिए, ताकि वो खतरे से हिफाजत कर सके। मेरे दोस्त और मैं ऐसा कर सकते हैं। हमें जो भी चाहिए वो सब इस किताब में है। ये तो काफी अच्छा आइडिया है। हम अभी इसी वक्त काम पर लग जाते हैं। कम ऑन स्पाइक, हमें क्रिस्टल फेयर की तैयारियां करनी है। प्रिंसेस को हेल्प करना है हमें, जादू उनका चलेगा ना आगे। हम ये कर सकते हैं, बस सबका साथ चाहिए हमें। हमें कर दिखाना है ताकि वो भी ये देख पाए। क्रिस्टल पोनीज को बचाएं, हिस्ट्री का लाभ उठाएं। उनके मुकुट में है कोई जादू, उनका झंडा था बड़ा रंगी। क्रिस्टल बेरीज है उनकी पसंद, कई जानवर भी थे रंग बिरंगी। हमें कर दिखाना है ताकि वो भी ये देख पाए। क्रिस्टल पोनीज को बचाएं, हिस्ट्री का लाभ उठाएं। एक अजूबा था उनका क्रिस्टल, हर पोनी को था वो बचाना। ये है क्रिस्टल किंगडम का परचम, हमको लहराना है इसे हरदम। हमें कर दिखाना है ताकि वो भी ये देख पाए। क्रिस्टल पोनीज को बचाएं, हिस्ट्री का लाभ उठाएं। ये बहुत शानदार लग रहा है। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना ये सब कैसे कर पाती। बस एक आखिरी चेक के पता करने के लिए कि सब ठीक है, और फिर हम फेयर की शुरुआत करेंगे। ये चीज क्या है? आखिरी पेज पर लिखा है क्रिस्टल हार्ट फेयर के बीचों बीच लगाया जाता है, इसलिए मैंने जादू से क्रिस्टल ब्लॉक को काट कर इसे बनाया है। बहुत अच्छी ट्वाय। मेरे ख्याल से अब हम फेयर की शुरुआत कर सकते हैं। सब लोग सुनो, माफ करना। सुनो सुनो, प्रिंसेस केजेंस और प्रिंस शाइनिंग आवर आप सबको क्रिस्टल फेयर में आने के लिए इनवाइट करते हैं। ओह, हमें जरूर जाना चाहिए, काफी मजा आएगा। सब लोग अंदर आ जाइए। खाना और ड्रिंक्स इस तरफ है, खेल और क्राफ्ट उस तरफ। क्रिस्टल हार्ट पीछे प्रिंसेस के पास लगा है। उसने क्रिस्टल हार्ट कहा? क्रिस्टल हार्ट? तुमने भी वही सुना? क्या मैंने सही मुझे सुना? यकीन नहीं हो रहा। हमने कमाल कर दिखाया है ना? अब सबको बहुत सारा प्यार और एकता महसूस हो रही होगी। कुछ खाना चाहोगी? हाँ, क्या ख्याल है, क्रिस्टल एम्पायर बेरी पाई या शायद थोड़ा क्रिस्टल कॉर्न? इन पोनीज को हुआ क्या है? ये सब देखकर
ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है, किंग के आने से पहले की बातें। मुझे भी। क्रिस्टल हार्ट। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके पास होगा? बिल्कुल, हमारे पास वो है। क्रिस्टल हार्ट के बिना क्रिस्टल फेयर कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्रिस्टल फेयर का मकसद ही है क्रिस्टल पोनीज के अंदर के जोश को जिंदा रखना, ताकि उनकी रोशनी से क्रिस्टल हार्ट को ताकत मिल सके और एम्पायर की हिफाजत हो सके। मैं वाकई लाइब्रेरी में काम करती हूँ। तुमने हार्ट को ताकत देने के बारे में वो क्या कहा? यकीन नहीं होता कि तुम्हें ये मिल गया। किंग सोम्बर ने इसे ऐसी जगह छुपाया था जहाँ से कोई नहीं ढूंढ सकता। उम्मीद है इतने सालों के बाद भी वो इतना ही ताकतवर होगा जितना पहले हुआ करता था। फनल केक। ऐसा क्यों लगता है मुसीबत आने वाली है? मुझे नहीं पता था वो एक असली चीज हुआ करती थी। क्रिस्टल पोनी से दिल को ताकत मिलने के बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा था। इसका आखिरी पन्ना गायब है। मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं ट्वाइलाइट।